हेलो दोस्तों, मैं नवनीत आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने HND न्यूज चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज कौन कौन सी टॉप न्यूज है जो कि ट्रेंडिंग पे कवर कर रही है। तो देखते हैं आज के कौन से टॉप 5 टेक न्यूज है जो टॉप पे कैरी कर रही है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है वो है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने क्या किया है, जियो फोन के जैसे ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है कार्बन के साथ कंबाइन ऑफर में। और आपको वो स्मार्टफोन मिलता है 1800 रुपये में। बट यहाँ पे अगर प्राइस की बात की जाए तो स्मार्टफोन आपको 2400 रुपये का है, बट आपको उसमें कुछ कैशबैक ऑफर मिल जाएंगे। जैसा कि लाइक अगर मैं जियो की बात करूँ तो उसी तरह से इसमें भी प्लान्स हैं। 169 रुपये का आपको कोई प्लान रिचार्ज कराना होगा, वो कंटिन्यू आपको 3 साल में अगर आप उसमें 3000 रुपये का रिचार्ज करा लेते हो तो आपको क्या कि कुछ कैशबैक्स मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका ये स्मार्टफोन पड़ता है 1800 रुपए का। बात करूं अगर स्मार्टफोन की तो स्मार्टफोन आपको कार्बन का A1 मिलता है जो कि अच्छी खासी फुल टच स्क्रीन एंड्रॉयड एप्लीकेशन सपोर्ट करने वाली हैंडसेट है। तो आई होप ये स्मार्टफोन थोड़ा सा बेस्ट हो सकता है जियो फोन के मुकाबले। तो यहाँ पे नेक्स्ट खबर आ रही है यूसी ब्राउजर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपडेट्स में बताया था कि यूसी ब्राउजर को प्ले स्टोर से बाहर कर दिया गया है, तो यहाँ पे गूगल ने अपनी तरफ से खुलासा किया कि क्यों उनको बाहर किया गया प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे जो अपडेट आई है वो अपडेट कुछ चौंकाने वाली है, क्योंकि गूगल का मानना यह है कि यूसी ब्राउजर में कुछ ऐसे मिसलीडिंग हो रही थी जिसके कारण से क्या होता है, यूजर का वो डेटा कुछ कैप्चर कर रहे थे, मीन्स आपका कुछ डेटा वो आपसे चोरी कर रहे थे। तो जैसा कि गूगल को इसकी भनक लग गई तो उन्होंने ये एप्लीकेशन को स्पैम बोल करके अपने प्ले स्टोर से बाहर कर दिया है। तो आई होप अगर वो कुछ पेनल्टी दी गई है उसको 30 डेज की, तो अगर 30 डेज के बाद वो अपना अगर एरर को सही कर लेते हैं तो फिर से उन्हें वापस एंट्री मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है हाल ही में किए गए कुछ सर्वे के ऊपर में। तो ये सर्वे में कुछ ऐसा रिपोर्ट सामने आया है जिसमें कि पता चलता है कि प्रीवियस जितने भी इयर्स में हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे थे तो सभी कोई अपडेटेड स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाह रहा था। मीन्स कि अगर बात करें हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तो वो जितना अपडेटेड आता था वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे। बट अगर बात की जाए 2017 की तो 2017 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्मार्टफोन को अपडेट करना नहीं चाह रहे, मीन्स कि उसका एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट नहीं करना चाह रहे हैं, पुराने ही वर्जन के साथ में अभी तक वो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आए कुछ रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे माना जा रहा है कि नया जो लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड का आया है वो सबसे कम यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं 2017 के इस सेशन में। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक यूएसबी लाइट के जरिए। तो लाइट क्या है कि वो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के जरिए या फिर अपने स्मार्ट पीसी के जरिए आप उस यूएसबी लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं और उस यूएसबी लाइट से आप अपने घर के जितने भी पानी आप यूज करते हो फिल्टर वगैरह, वो अब क्या है उस यूएसबी लाइट के जरिए साफ हो जाएगा। मीन्स कि वो आप फिल्टर किया जा सकता है वो यूएसबी लाइट के जरिए बस 1 मिनट में। तो 1 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी घर के जो भी पीने लायक पानी है उसे आप प्योरिट की जगह आप ये यूएसबी लाइट के मदद से प्योर कर सकते हो। तो आई होप ये खबर आपके लिए शायद काफी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप का अभी हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया था जिसके मदद से आप कोई भी मैसेज को, भेजे हुए मैसेज को वापस रिकॉल कर सकते हो, मीन्स कि डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बग निकल के सामने आया है कि एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री नाम की एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप डिलीट किए हुए मैसेज को भी पढ़ सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास किन्हीं ने मैसेज किया और वो अपना मैसेज को रिकॉल कर लिया तो आप उसे बाद में भी चाहे तो पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री नाम की एक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड करके। तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे इंस्टॉल रखना है और जो मैसेज आएगी तो वो मैसेज उसमें आपका हिस्ट्री सेव होती जाती है। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, बाद में अगर आपका कोई भी मैसेज वहां से डिलीट हो गया या फिर किन्हीं ने रिकॉल कर लिया तो आप उस एप्लीकेशन में जाकर के वो पता लगा सकते हो कि आखिर वो कौन सा मैसेज आपको किया गया था जो कि वापस से रिकॉल कर लिया गया है। तो ये एक फीचर थोड़ी सी व्हाट्सएप की प्राइवेसी को बग करती है। तो आई होप इसमें बहुत जल्दी अपडेट लाया जाएगा और इसे सही किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर ऐसे ही अपडेट्स आप चाहते हैं हमारे इस चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट आपको डेली इस चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।